नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। कि जैसा है कि हम लोग शुरू किए हैं यूपीपीसीएस की क्लास, यूपीपीसीएस के क्लास में हम लोगों को आज जो शुरू करना है, पिछली क्लास में मैं पर्वतों के बारे में पूरा चर्चा किया हूँ, तो पर्वत की क्लास आपकी समाप्त हो गई है। पर्वत के बाद हम लोगों को जो शुरू करना है वो क्या है अगली क्लास, तो मैं पर्वत के बाद आप लोगों को पठार के बारे में बताएंगे कि क्या है पठार और उनमें क्या क्या आते हैं, पठार में क्या क्या पाया जाता है, इन सब की चर्चाएं हम लोगों को शुरू करनी है। तो आइए देखते हैं क्या है पठार और उनमें क्या क्या तत्व, कहाँ कहाँ कौन से पठार पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि पठार क्या है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह क्या है, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है। क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। महाद्वीपीय भाग पर लगभग 33% क्षेत्र पर, लगभग 33% क्षेत्र पर क्या है, तो पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पठार का विस्तार है। पठार मानव के लिए उपयोगी होता है और यह आर्थिक रूप से क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खनिज और जो है खनिज जो पाए जाते हैं या फिर अन्य जो तत्व पाए जाते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक को कहा जाता है पटल विरूपणी पठार और एक को कहा जाता है बहिर्जात बलों के प्रभाव के कारण पठार का निर्माण। तो हम लोग पहले पटल विरूपणीय जो है अंतरजात बल, जिसे क्या कहेंगे, एक को कहेंगे अंतरजात बल और एक को कहेंगे बहिर्जात बल। अंतरजात बल में भी आपके कौन कौन से हैं, तो अंतरा पर्वती, गिरिपदी और संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, और बहिर्जात में आपके कौन कौन से हैं, तो पवन निर्मित और आपके कौन आपके जल निर्मित पठार, और कौन से, तो आपके हिम निर्मित पठार। इन पठारों की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, टॉपिक को लिखते हैं और फिर शुरुआत करते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है। आइए देखते हैं, पठार, अगर पठार की बात किया जाए तो पठार क्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। अभी इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक को क्या कहते हैं पटल विरूपणी या अंतर, क्या कहेंगे, अंतरजात बलों के प्रभाव के कारण पठार का निर्माण, और दूसरा आपका पहला हो जाता है, दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा बहिर्जात बलों के प्रभाव से निर्मित पठार, बहिर्जात प्रभाव से निर्मित पठार। अगर ये हो जाएगा तो एक अंतरजात से एक बहिर्जात। तो हम लोगों को सबसे पहले किसकी चर्चा करना है, तो सबसे पटल विरूपणी या अंतरजात जो है इनकी बात करेंगे। तो पृथ्वी के अंतरजात बलों के प्रभाव से क्या होता है, पटल विरूपणी का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका, पटल विरूपणी पठार का निर्माण होता है। ये पठार क्या होते हैं, कई प्रकार के पाए जाते हैं। अब आपका कौन सा है, तो अंता पर्वती पठार, ये आपके कई प्रकार के हैं, इनमें आपके अंता पर्वती पठार। अगर अंता पर्वती पठार की बात करें तो कौन है, कहाँ पाए जाते हैं, आइए इनकी चर्चा की जाए। तो आपके जो अंता पर्वतीय पठार हैं, अगर उसकी मैं बात करूंगा तो
अंता पर्वतीय पठार की अगर मैं बात करूंगा तो पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए पठार को क्या कहा जाता है? अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। जैसे पर्वत श्रेणियां हैं आपकी ये, और बीच में जो भाग है इस पर क्या हो जाए, यही पठार का निर्माण हो जाए, तो आपका ये क्या हो गया है, यही अंतः पर्वतीय पठार है। अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल अंतः पर्वतीय पठार, ये आपका पर्वत हो गया और आपका यह पर्वत हो गया, और बीच में क्या हो गया, पठार का निर्माण हो जाए, क्या हो जाए, पठार का निर्माण हो जाए। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आपका ऐसे ऐसे आपका क्या करें, ऊपर से दक्षिण की तिब्बत के पठार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल क्या है, तिब्बत का पठार। अगर इसकी मैं बात करूं तिब्बत के पठार की, तो ऊपर ऊपर जो है कुनलुन शान है, क्या है, कुनलुन शान पर्वत है, आपके सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, कुनलुन शान, कुनलुन शान पर्वत है, क्या है, कुनलुन शान पर्वत है, कुनलुन शान पर्वत, ऐसे ऊपर कुनलुन शान पर्वत है, कुनलुन शान पर्वत, और नीचे क्या हो जाता है, हिमालय पर्वत है, क्या है, यह हिमालय है, कुनलुन शान और हिमालय के मध्य में कौन सा है, तो यहाँ बीच में आपका क्या है, तिब्बत, तिब्बत का पठार, बीच में क्या है, तिब्बत का पठार है। यह पठार दक्षिण में हिमालय और उत्तर में कुनलुन शान पर्वत श्रेणियों के मध्य क्या है, फैला हुआ है, यह अंतः पर्वतीय पठार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो कितना है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा, क्या, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है। ये आपका क्या हो गया, तिब्बत का पठार, क्या हो गया, तिब्बत का पठार। अब यह क्या है, अंतरजात बलों के प्रभाव से निर्मित यह पठार है, तो ये आपका क्या हो गया, तिब्बत का पठार। फिर तिब्बत के पठार के उत्तर में चीन में साइडाम का पठार है, क्या है, साइडाम का पठार है। तो यह कुनलुन शान पर्वत और नान शान पर्वत के मध्य में स्थित है। मैं आपको मैप ला ले रहा हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ आपका क्या है, हिमालय है, क्या है, ये हिमालय है, हिमालय, और आपका मैं क्या कहा कि कुनलुन शान, क्या, ये आपका कुनलुन शान है, हिमालय और कुनलुन शान, इसके बीच में मैप में देखेंगे तो ये आपका तिब्बत का पठार है, क्या है, तिब्बत का पठार है, यह आपका, यह आपका तिब्बत का पठार, अंतरा पर्वतीय पठार, ये आपका क्या हो गया, हिमालय, हिमालय, हिमालय के ऊपर क्या है, कुनलुन शान है, कुनलुन शान, कुनलुन शान, हिमालय और कुनलुन शान के मध्य में कौन सा पठार है, तो आपका मध्य में तिब्बत का पठार है, क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार है। उसके बाद आपका क्या है, ऊपर चलेंगे तो किसके, तिब्बत के पठार, किसका, तिब्बत के पठार में स्थित उत्तर में चीन में साइडाम का पठार फैला हुआ है, क्या है, साइडाम का पठार है। अब साइडाम के पठार, तो यह
कुनलुनसान पर्वत और नानसान पर्वत के मध्य में स्थित है। क्या है? नानसान पर्वत के मध्य में स्थित है साइडाम पठार के उत्तर में तकला मकान का पठारी भाग फैला हुआ है। तो आपका यहाँ क्या है, ये आपका ये वाला भाग, ये कुनलुनसान हो गया, ये आपका ऊपर नानसान है। क्या है? नानसान, नानसान और कुनलुनसान के मध्य में क्या है, तो इसके मध्य में आपका साइडाम का पठार। अब इसके ऊपर आप ऊपर जब जाएंगे, अब उसके बाद अब जब ऊपर जाएंगे तो साइडाम पठार के उत्तर में तकला मकान का पठारी भाग फैला हुआ है। तो टियनसान, क्या टियनसान और एलेनसान के मध्य स्थित है तकला मकान। क्या है? तकला मकान। तो ये आपका क्या हो गया, तकला मकान, ये हो गया, ये आपका तियनसान है। क्या है? तियन, आप मैप में देखेंगे तियनसान और क्या है, कौन, तियनसान और एलेनसान या फिर अल्तुनसान कह लेंगे, क्या कह लेंगे, तो ये अल्तुनसान है, एलेनसान आपका इसके मध्य में, इसके मध्य में कौन सा है, तो तकला मकान है, तकला मकान। इसके बाद आपका तकला मकान के बाद बात करेंगे तो तकला मकान के उत्तर में जुगेरियन का पठार है। यह तियानसान और अल्ताईसान के मध्य है। क्या है? जुगाई का पठार तियनसान और अल्ताईसान के मध्य है। ये आपका देख रहे हैं जुगेरियन है, ये बीच में जुगेरियन, कलर चेंज करता हूं पेन की, ये आपका ऊपर अल्ताई है। क्या है? अल्ताई, अल्ताई और आपका क्या, तो तियनसान, ये क्या हो गया, तियनसान, अल्ताई और तियनसान के मध्य में क्या है, तो आपका कौन सा है, जुगेरियन। क्या है? जुगेरियन है, जुगेरियन का पठार है, जुगेरियन, जुगेरियन। अब हम सीरियल में देखेंगे तो देखिए, अब इसी को हम लोग सीरियल में देखते हैं, किस पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर यहां देख लेते हैं, बोर्ड पर कहां देख ले रहे हैं, यहां दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, उतार ले रहे हैं मैप को, थोड़ा सा खिसका रहे हैं, फिर ला लिया जाएगा, रुक जाइए भाई, ये आइए। अब हम लोगों को जो चर्चा करना है, सबसे पहले ऊपर क्या है, जुगेरियन, क्या है, जुगेरियन, जुगेरियन के नीचे हम आएंगे, जुगेरियन के बाद मैं आपसे क्या बताया कि तकला मकान है। क्या है? तकला, तकला मकान, तकला मकान के नीचे हमने किससे बताया, साइडान। क्या है? साइडान का पठार, साइडान के पठार के नीचे किसका है, तो तिब्बत, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी सीरियल में पूछ लिया जाएगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पठारों का सही क्रम लगाइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पठारों का सही क्रम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहां, तो ये आपके तिब्बत के बाद साइडान, साइडान के बाद तकला मकान, उसके ऊपर जुगेनियन पर्वत है। अब इसके बाद हम लोगों को किसकी चर्चा करना है, तो पामीर का पठार। क्या? पामीर का पठार, यह भी अंतरा पर्वतीय पठार है, यह अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के मध्य, क्या है, ताजिकिस्तान के मध्य क्या है, पठार फैला हुआ है। किन, हिंदुकुश पर्वत, किसके, हिंदुकुश पर्वत और तियनसान पर्वत के मध्य इसका विस्तार है। ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। इस
पठार का, इस पठार को क्या कहा जाता है? तो विश्व का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत। अब मिटाते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये आपके खत्म। अब हम लोगों को पामीर की पठार की चर्चा करना। मैप ले लें। इसे क्या कहते हैं? तो संसार की छत। संसार की छत है। ये आप लोगों को बता चुका था, इसको मैं मिटा रहा हूं। संसार की छत, ये आपका क्या है? ये आपका हिंदुकुश है। क्या है? हिंदुकुश है। ये आपका देख रहे हैं, ये हिंदुकुश है। ये आपका क्या है? यही आपका पामीर है। क्या है? पामीर है। तो आपका मैं बताया क्या कि किसके किसके मध्य? तो आपका तियन शान पर्वत किसका? हिंदुकुश और तियन शान। तो हिंदुकुश ये हो गया, ये आपका हिंदुकुश हो गया और ए तियन शान हो गया। ये इस तरह हो रहा है, ये आपका हिंदुकुश है, यहाँ आपका तियन शान है, ये आपका तियन शान है, देख रहे होंगे तियन शान है। ये आपका क्या है? हिंदुकुश है। क्या है? हिंदुकुश है, हिंदुकुश है। अब बीच में आपका क्या है? बीच में पामीर का पठार। पामीर का पठार ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? पामीर के पठार की बात हो गई, पामीर का पठार, इसको संसार की छत कहा जाता है। यह हिंदुकुश और तियन शान के मध्य में इसका विस्तार है और यह कहां? तो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में है। कहां है आपका? इधर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ये आपका तजाकिस्तान हो जाएगा। तो अफगानिस्तान और ये आपका तजाकी, ये आपका अफ, इधर आपका अफगानिस्तान और इधर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान हो जाएगा। तो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। अब ईरान का पठार, ईरान का पठार, ईरान का पठार क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ईरान का पठार, तो आपका जो ईरान का पठार है यह अंतरा पर्वतीय पठार है। जैग्रोस पर्वत और एल्ब्रुज पर्वत के मध्य ईरान में फैला हुआ है। तो आपका जैग्रोस देख रहे हैं, ये क्या है? ये जैग्रोस है। ये आपका क्या है? तो ये आपका एल्ब्रुज है। क्या है? एल्ब्रुज। ऊपर एल्ब्रुज, एल्ब्रुज नीचे जैग्रोस, जैग्रोस और एल्ब्रुज, इसके मध्य में क्या है? तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये बीच में ईरान का पठार है। क्या है? ईरान का पठार। मैप में ईरान का पठार है। क्या है? ईरान का पठार फैला हुआ है। इसके बाद में अनातोलिया के पठार की, मैप में जाइएगा, मैप बिना लिए पढ़ाई नहीं हो सकती है, जो मैपिंग मैप की तरह, मतलब एक चीज मैं बता रहा हूं। तो
तो अनातोलिया का पठार, यह तुर्की में स्थित अंतरा पर्वतीय पठार है, टारस एवं पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है। ये आप तुर्की आ जाइए, ये अनातोलिया है ना, ये देखिए अनातोलिया, यहाँ नीचे क्या है, टारस है, क्या है नीचे टारस, ऊपर पॉन्टिंग, पॉन्टिंग और टारस के मध्य है, टारस और पॉन्टिंग के मध्य क्या है, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, इराक के बाद अनातोलिया का पठार ये अनातोलिया क्या है, अनातोलिया, अनातोलिया, अनातोलिया के बाद अगर मैं बात करूं, अनातोलिया का टारस और पॉन्टिंग पर्वत श्रेणी के मध्य फैला हुआ है, अनातोलिया के बाद मेसेटा, मेसेटा का पठार की बात करेंगे, अगर मेसेटा तो मेसेटा स्पेन में स्थित पठार है, कहाँ है, स्पेन में, यह पठार अंतर पर्वतीय पठार है, तो सियरा मिरोन और कैंटाब्रियन पर्वत श्रेणियों के मध्य फैला हुआ है, तो आप यहाँ आ गए, स्पेन का पठार, स्पेन, ये देखिए ये आपका क्या है, इसको स्पेन, तो सियरा मोरेन देख रहे हैं ना, सियरा मोरेन है, कैंटाब्रियन है, कैंटाब्रियन, ये आपका सियरा मोरेन, सियरा मोरेन कैंटाब्रियन, बीच में आपका क्या है, तो बीच में आपका मेसेटा, या फिर इसे क्या कह लेंगे, इसी इसको स्पेन का पठार भी कह लेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो बोलिविया का पठार क्या है, बोलिविया का पठार, तो बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका में बोलिविया में एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य में फैला हुआ पठार है, तो बोलिविया का पठार की बात करेंगे, तो ये क्या है, बोलिविया का पठार कहाँ है, तो एंडीज के मध्य में, ये एंडीज के मध्य में यह बोलिविया का पठार हो गया। फिर उसके बाद बोलिविया के पठार के बाद अगर मैं चर्चा करूं तो गिरिपदीय पठार है, कौन, गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार की बात करते हैं, वह पठार जिनका एक ढाल पर्वत के ढाल के सहारे और दूसरा समुद्र या मैदान के सहारे फैला हो, एक ढाल तीव्र हो, दूसरा ढाल मंद हो सकता है, क्या होगा, दूसरा ढाल मंद हो सकता है। अब एग्जांपल के लिए यूएसए में पीटमांड का पठार, क्या, यूएसए में पीटमांड का पठार एप्लेसियन के पूर्वी ढाल के सहारे है, यहाँ ये आपका देख रहे हैं ना, एप्लेसियन, यही आपका पीट पूर्वी ढाल के सहारे, कौन सा, तो पीटमांड का पठार, पीटमांड का पठार, यूएसए के यहाँ, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, पीटमांड का पठार हो गया। फिर उसके बाद और चलेंगे, दूसरा ढाल, दूसरा ढाल इसका क्या है, अटलांटिक तट के सहारे है, अप्लेसियन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां जब पीटमांड के पठार के सहारे नीचे उतरती हैं तो अचानक ढाल कम होने के कारण क्या होता है, जलप्रपात बनाती हैं, क्या करती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, और सैकड़ों जलप्रपात क्या है, एक श्रृंखला में फैले हुए हैं, जिसे जलप्रपात रेखा कहा जाता है, यहाँ क्या है, तो जलप्रपात रेखा भी है, इसको भी जानते रहिए, क्या है, जलप्रपात रेखा कहा जाता है, यहाँ सैकड़ों जलप्रपात है, कितना, सैकड़ों मतलब 100 से अधिक जलप्रपात हैं, तो इसे जलप्रपात रेखा कहा जाता है। उसके बाद की मैं बात करूंगा तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो जिसे
उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में इंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे पेंटागोनिया, क्या पेंटागोनिया का पठार गिरपदीय पठार के रूप में फैला हुआ है। अब आपका पेंटागोनिया ये है, देख रहे हैं ये पेंटागोनिया, ये पेंटागोनिया का पठार हो गया, क्या हो गया, पेंटागोनिया का पठार हो गया। अब ये क्या है, ये भी गिरपदीय पठार। अब आपका गुंबदाकार पठार की बात करते हैं, किसके गुंबदाकार पठार, तो भारत के छोटा नागपुर का पठार ये यहाँ है, छोटा नागपुर झारखंड, यहाँ क्या है, यह गुंबदाकार है, क्या है, गुंबदाकार पठार है, क्या है, गुंबदाकार पठार है। उसके बाद आपका गुंबदाकार पठार है आपका, फिर आपका क्या है, गुंबदाकार पठार है, नागपुर का पठार, और यूएसए में ओजार्क्स का पठार गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। तो आपका ये आपका ओजार्क का पठार है, क्या है, ओजार्क का पठार है, क्या है, ओजार्क का पठार। अब उसके बाद ओजार्क का पठार हो गया ये, ओजार्क का पठार। उसके बाद आपका ज्वालामुखी निर्मित पठार है, क्या है, ज्वालामुखी निर्मित पठार। तो ज्वालामुखी निर्मित पठार जो है उनमें आपका यूएसए में कोलंबिया का पठार, क्या है, कोलंबिया का पठार। तो आपका कोलंबिया, 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 यहां आपका क्या हो जाएगा, कोलंबिया का पठार। ये क्या है, ज्वालामुखी निर्मित पठार है, क्या है, कोलंबिया का पठार, ज्वालामुखी निर्मित पठार है। उसके बाद आपका ओरेगन का पठार, और आपका इदाहो का पठार, और भारत में क्या, दक्कन का पठार, कौन सा, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये आपके क्या हो गए, ज्वालामुखी निर्मित पठार हो गए, ये आपके क्या हो गए, गिरिपदीय पठार। अब हम लोगों को जो अन्य पठार हैं उनकी चर्चा करना है, ये आपके क्या हो गए, अंतर या अंतर क्या थे, सॉरी अंतरजात बलों के पठार हो गए, क्या हो गए, अंतरजात बलों के प्रभाव के कारण जिन पठारों के निर्माण होता है उन पठारों को मैंने चर्चा किया। इसके बाद अब हम बहिर्जात शक्तियों के कारण कौन कौन थे, कौन कौन से पठार का निर्माण हुआ है उनकी चर्चा करते हैं। तो बहिर्जात शक्तियों के कारण जो पठार का निर्माण हुआ है, तो जैसे जल निर्मित पठार, क्या, जल निर्मित पठार, उसकी चर्चा करते हैं। जल निर्मित पठार, जल निर्मित पठार की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो जल निर्मित पठार है अगर उसकी मैं चर्चा करता हूं, तो आपका जल निर्मित पठार जो है उनमें आपके म्यांमार में शान का पठार, फिर आपका भारत में मेघालय का पठार, चीन में यूनान का पठार, फिर उसके बाद पवन निर्मित पठार है। अब बात करते हैं जल निर्मित पठार की, किसकी, जल निर्मित, निर्मित, जल निर्मित पठार। अगर मैं जल निर्मित पठार की चर्चा करूं, तो इसमें क्या है, म्यांमार में शान का पठार, क्या है, म्यांमार, म्यांमार में शान का पठार, शान का पठार। आपका म्यांमार ये देख रहे हैं, ये यहाँ आपका क्या, शान का पठार, फिर उसके बाद आपका, फिर आपका म्यांमार के शान का पठार, फिर उसके बाद भारत में मेघालय का पठार, जल निर्मित है, भारत में मेघालय का पठार,
मेघालय का पठार, फिर उसके बाद आपका एक हो गया, दो हो गया, तीसरे की अगर मैं चर्चा करूं तो चीन में यूनान का पठार, चीन में यूनान का पठार क्या, यूनान का पठार, फिर उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं चीन में यूनान का पठार, फिर उसके बाद पवन निर्मित पठार की बात करेंगे। तो चीन में आपका यूनान के पठार का देख लीजिए, तो चीन में यूनान का पठार हो गया, फिर उसके बाद ये क्या हो गए, ये जल निर्मित पठार हो गए, फिर आपके पवन निर्मित पठार हैं, क्या हैं, पवन निर्मित, कौन पवन निर्मित पठार की चर्चा करूंगा। तो पवन निर्मित पठार जो हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो पवन निर्मित पठार में कौन से हैं, तो पाकिस्तान में पोटवार का पठार क्या है, पाकिस्तान पोटवार का पठार, पोटवार का पठार पाकिस्तान में, पोटवार का पठार दूसरा, पाकिस्तान के पोटवार के पठार के बाद चीन में लोयस का पठार, चीन में लोयस का पठार, उसके बाद आपका चीन में लोयस का पठार, फिर आपका हिमनद निर्मित पठार की बात करते हैं, इसकी हिमनद निर्मित पठार की बात करते हैं, ये आपके क्या हो गए, पवन निर्मित। अब आपके ये बहिर्जात बल प्रभाव के कारण पठार का निर्माण हुआ है, हिमनद निर्मित पठार। अगर हिमनद निर्मित पठार की बात करूंगा तो इसमें आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका पाक, फिर आपका जर्मनी में क्या है, जर्मनी में प्रासिया का पठार, ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड का पठार, क्या ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड यह हिमनद निर्मित है, फिर आपका ग्रीनलैंड गिरमा, उसके बाद आपका है भारत में जम्मू कश्मीर में हिमनद निर्मित पठारी क्षेत्र को मर्ग कहते हैं, कहां, तो जम्मू कश्मीर भारत में, भारत में जम्मू कश्मीर, कहां जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हिमनिर्मित, हिमनद, हिमनद निर्मित, निर्मित पठार को, पठार को हिमनद निर्मित पठार को क्या कहते हैं, पठार को मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं। अब ये हो गया, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये आपके हिमनद निर्मित हो गए, फिर आपका है केरात का पठार, क्या है केरात का पठार, यह आपका थाईलैंड में है, कहाँ है, थाईलैंड, थाईलैंड में जोन्स का पठार, यह आपका नाइजीरिया में है, किम्बरले का पठार, यह आपका कहाँ है, तो किम्बरले का पठार आपका कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ, किम्बरले, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका थाईलैंड में केरात है, तो थाईलैंड यहाँ है, थाईलैंड आपका कुरात, कुरात का पठार, थाईलैंड, थाईलैंड, फिर उसके बाद आपका है किम्बरले कटंगा का पठार अफ्रीका में है, कहाँ है कटंगा का पठार अफ्रीका, फिर आपका क्या हो जाएगा अफ्रीका में कटंगा का पठार हो गया, फिर उसके बाद आपका कहाँ, कटंगा जोस का पठार हो गया, कटंगा कहाँ गया,
यही होगा, कटंगा का पठार। कटंगा का पठार हो गया अफ्रीका में, मुख्य पठार में कटंगा का पठार हो गया। फिर उसके बाद आपका कटंगा के पठार के बाद आपका अविसीनिया का पठार, ये है आपका इथियोपिया में है। कहाँ है? इथियोपिया में है अविसीनिया का पठार। क्या है? इथियोपिया में। कहाँ? ये इथियोपिया है तो यहाँ अविसीनिया का पठार है, अविसीनिया का पठार। ये क्या हो गया? जोस का पठार है। क्या है? जोस पठार, जोस का पठार। तो ये क्या हो गए? मुख्य मुख्य क्या हो गए? पठार हो गए। यो विश्व भर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंतर अंतर जात बलों के प्रभाव से पठारों का निर्माण तथा बहिर्जात बलों के प्रभाव के कारण पठारों का निर्माण। तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें हमने आपसे पठार के बारे में चर्चा किया कि कहाँ कहाँ विश्व के प्रमुख पठार पाए जाते हैं। तो मैं पठार में आप लोगों को देखिए कि का मतलब अंतर्जात बहिर्जात इन्हीं के बारे में बताया, फिर उसके बाद यह बता दिया कि पठार क्या है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और आज की क्लास यहीं तक। कल फिर हम लोग क्या करेंगे? मैप से ही हम लोग झील के बारे में चर्चा कर लेंगे। झील के बारे में चर्चा करने में हमको लग रहा है कि कल परसों दो दिन लग जाएगा। हो सकता है कि हर जगह की झीलें हैं, झीलों के बारे में बताना है। तो झील खत्म कर लेंगे। तो उसके बाद आपका अपक्षय अपरदन है। क्या है? अपक्षय अपरदन की चर्चा हो जाएगी। फिर आपकी नदियां आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? नदियां आ जाएंगी। अभी देखिए एक चैप्टर आपका बीच में बच रहा है, देखिए हम उसको भी करवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो भी हो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए।